हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएफएस एकेडमी में। तो आज हम हरियाणा का जो है तीसरा जिला करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो है दो जिले ठीक है तैयार कर लिए हैं अपने और पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम आते हैं आज कुरुक्षेत्र पर। ठीक है, तो चलिए कुरुक्षेत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र का नाम है, कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा? ठीक है, राजा कुरु के नाम पर। राजा कुरु के नाम पर, जब मैंने आपको हरियाणा के प्राचीन नाम पढ़ाए थे, ठीक है, जो हमने प्राचीन नामों की जो वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने बताया था राजा कुरु के बारे में। ठीक है, तो राजा कुरु ने जो है यहाँ पे आके खुद अपने हाथों से खेती की थी, तो उन्हीं के नाम पर जो है कुरुक्षेत्र नाम पड़ा है। ठीक है, दूसरा इसको धर्म क्षेत्र भी कहते हैं, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। आपको पता ही है यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था और धर्म की विजय हुई थी, इसीलिए इसको हम धर्म क्षेत्र भी कहते हैं और धर्म नगरी भी कहते हैं। यहाँ पे लगभग 360 से ज्यादा तीर्थ स्थल हैं, इसीलिए कुरुक्षेत्र को तीर्थराज भी कहा जाता है। ठीक है, तीर्थराज भी इसका एक उपनाम दिया गया है और सिटी ऑफ पार्क्स। तो चार जो है नाम हो गए इसके उपनाम, धर्म क्षेत्र, धर्म नगरी, तीर्थराज और सिटी ऑफ पार्क्स। ठीक है, पुराना नाम जो था कुरुक्षेत्र का वो क्या था? स्थानेश्वर। ठीक है, स्थानेश्वर पुराना नाम। महाभारत का जो युद्ध हुआ था यहाँ पे 18 दिन जो है युद्ध चला था और 13वें दिन जो है अभिमन्यु की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, कौरवों के द्वारा। और जहां पे हत्या की गई थी वो कौन सी जगह थी? अमीन। ठीक है, वो जगह थी अमीन। अब अमीन का नाम चेंज करके अभिमन्युपुर ही कर दिया गया, अभिमन्युपुर। ठीक है, अभिमन्यु के नाम से ही गीता उपदेश दिया गया था। कुरुक्षेत्र में जगह थी ज्योतिसर। ठीक है, तो जब भगवान कृष्ण जी ने वट वृक्ष, ठीक है, वट वृक्ष के यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे जो है गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को ज्योतिसर में, वामन पुराण। ठीक है, वामन पुराण एक पुराण में से एक पुराण है, इसमें जो हरियाणा की नदियां हैं उनका भी वर्णन किया गया है वामन पुराण में भी। ठीक है, वामन पुराण में हरियाणा की नदियों का वर्णन किया गया है और उसी में कुरुक्षेत्र में जो पुराने वक्त में थे वन थे, कौन कौन से वन? अदिति वन, सूर्प वन और काम्य वन। ठीक है, इन तीनों वनों का वर्णन है कुरुक्षेत्र के वामन पुराण में। ठीक है, 9वीं शताब्दी का भोजदेव अभिलेख भी मिला है। कहाँ पे मिला है? पेहवा में मिला है। ठीक है, भोजदेव का अभिलेख पेहवा में। ठीक है, 9वीं शताब्दी का। नेक्स्ट है आप भगवानपुरा, हड़प्पा स्थल मिला है कहाँ? यहीं पे कुरुक्षेत्र में, भगवानपुरा हड़प्पा स्थल। और यहाँ पे जो उत्खनन करवाया था वो जेपी जोशी जी ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भगवानपुरा में कुरुक्षेत्र में किसने जो है उत्खनन का काम करवाया था? वो थे जेपी जोशी। ठीक है, हड़प्पा स्थल आप जानते हैं, और भी जैसे कि मिताथल हो गया, भिवानी में हो गया, राखी गढ़ी हिसार में है, रतिया कहाँ पे है? फतेहाबाद में है, कुणाल फतेहाबाद में है। ठीक है, तो ये कुछ जो है हड़प्पा स्थल हैं हरियाणा में, उनमें से एक ही है भगवानपुरा हड़प्पा स्थल जो कि कुरुक्षेत्र में है। दौलतपुर से मिट्टी की मोहरें मिली हैं, कुरुक्षेत्र में ही जगह है दौलतपुर। दौलतपुर का टीला भी है। ठीक है, दौलतपुर का टीला भी है और दौलतपुर से मिट्टी की मोहरें मिली हैं। राजा हर्षवर्धन, ठीक है, हिंदू राजा हुए हैं राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने 606 ईस्वी में राजगद्दी संभाली थी। ठीक है, इनके जो भाई थे बड़े राज्यवर्धन, ठीक है, राज्यवर्धन अपनी बहन राज्यश्री, ठीक है, राज्यश्री की हत्या का बदला लेने गए थे तो उनको भी मार दिया गया था और उसके बाद गद्दी संभाली थी राजा हर्षवर्धन। इनका वंश कौन सा था ये पूछा जाता है, इनका वंश था पुष्यभूति वंश, ठीक है, या फिर वर्धन वंश कहते हैं। 606 ईस्वी में इन्होंने कुर्सी संभाली और 612 ईस्वी के लगभग जो है इनका युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के साथ और ये हार गए थे। ठीक है, 612 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के साथ और नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन ने कुछ अपने नाटक लिखे थे, कौन कौन से? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक नाटक था रत्नावली, दूसरा नागानंद और तीसरा प्रियदर्शिका। ठीक है, और तीसरा प्रियदर्शिका, ये तीनों नाटक किसके थे? हर्षवर्धन के। इन्हीं का एक दरबारी था बाणभट्ट, बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित। हर्षचरित में हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में बताया गया है और जो पूरा पुष्यभूति वंश था, ठीक है, उसके चरित्र के बारे में बताया गया है।
उसके बाद वर्धन वंश की जानकारी जो है एक मधुबन और बांसखेरा अभिलेख में, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार में पड़ता है एरिया बांसखेरा, तो वहां के अभिलेख ताम्र अभिलेख मिला है जो वर्धन वंश की जानकारी देता है। राजधानी जो है हर्षवर्धन ने थानेसर से बदलकर, ठीक है, सुचारू रूप से चलाने के लिए थानेसर यानी कि कुरुक्षेत्र से बदलकर, थानेसर से बदलकर कन्नौज कर ली थी यूपी, ठीक है, कन्नौज कर ली थी। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण किया था कुरुक्षेत्र के ऊपर, ठीक है, वहां से लूटपाट के ले गया, दोबारा फिर से आया 1014 में, ठीक है, दोबारा फिर से जो है आक्रमण किया इन्होंने और फिर से लूट के ले गया। जो महमूद गजनवी था उसका मेन जो मोटिव था वो राज करना नहीं था, उसका मेन मोटिव जो था वो लूटपाट ही करना था, ठीक है, तो वो जगह जगह आक्रमण करता था और लूट के लेके चला जाता था। 1845 में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है जगह जगह विद्रोह हो रहे थे, तो 1845 ईस्वी में लाडवा से अजीत सिंह ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। नेक्स्ट कहते हैं पेवा का पुराना नाम क्या था, पृथुदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पुराना नाम जो है किसी भी शहर का नाम है या फिर किसी जिले का नाम है पुराना, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो पेवा का नाम क्या था, पृथुदक। आगे चलते हैं, यहाँ पे संग्रहालय जो है श्री कृष्ण संग्रहालय, जो भी महाभारत में लड़ाई हुई थी तो उसी पर आधारित है श्री कृष्ण संग्रहालय, ठीक है, इसमें महाभारत का युद्ध दिखाया गया है। गुलजारी लाल नंदा ये भी एक संग्रहालय है, ठीक है, यहाँ पे बहुत फेमस। उसके बाद ब्रह्म सरोवर, आप सभी जानते हैं ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। अल्बर्नी ने उल हिंद, उनकी पुस्तक थी उल हिंद में वर्णन किया। सूर्य ग्रहण मेला लगता है ब्रह्म सरोवर पे ही और गीता जयंती का मेला लगता है ब्रह्म सरोवर पर ही, ठीक है, और एक कुरुक्षेत्र में मेला लगता है मारकंडा मेला। ये तीनों मेले इंपॉर्टेंट हैं, सूर्य ग्रहण मेला, गीता जयंती मेला और मारकंडा मेला। सन्निहित झील एक तीर्थ स्थल है, बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है और यहाँ पे विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ पे स्थायी निवास करते हैं। चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है हरियाणा का, कौन सा, चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य, और जो कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा, तो अबूब शहर जो है सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है, सिरसा में, और सबसे छोटा चिलचिला कुरुक्षेत्र में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ठीक है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे, भोरसादा गांव है कुरुक्षेत्र में, वहीं पे है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, जो 1981-82 में जो इसकी स्थापना की गई थी यहाँ पे। और अगर काला तित्र प्रजनन केंद्र, ठीक है, काला तित्र प्रजनन केंद्र जो हमारा, ठीक है, हरियाणा का, ठीक है, राजकीय पक्षी है, कौन सा, काला तित्र, उसका भी प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। हाथी प्रजनन केंद्र मैंने बताया था वो कहाँ पे था, कहाँ पे था हाथी प्रजनन केंद्र, यमुनानगर में। और गिर प्रजनन केंद्र जो मैंने बताया था वो पंचकुला में, लाल जंगली मुर्गे का प्रजनन केंद्र बताया था मैंने, पंचकुला में बताया था, ठीक है। ऐसे ही काला तित्र प्रजनन केंद्र और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में। छोटा चिड़ियाघर है यहाँ पे, छोटा चिड़ियाघर, ठीक है, और भी कहाँ पे है, भिवानी रोहतक, ठीक है, भिवानी रोहतक कहाँ पे, भिवानी रोहतक, और एक छोटा चिड़ियाघर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र। शेख चिल्ली का मकबरा है यहाँ पे, जिसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, और शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था शेख चिल्ली की याद में, ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा, इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। हरियाणा का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव जो था वो कौन सा था, गुमथला, और जो कहां पे था, ठीक है, यहीं पे है, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना जब हरियाणा बना उससे 10 साल पहले ही की गई थी 1956 में, और इसकी जो नींव रखी थी यानी कि उद्घाटन किया था वो किया था हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने। आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है कुरुक्षेत्र में, यहाँ पे तरह तरह की जो है ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, अलग अलग जो है विद्याएं सिखाई जाती हैं आयुष विद्यालय में। तारामंडल
ठीक है, ये भी एक म्यूजियम है कल्पना चावला जी के नाम से, और एक पनोरमा म्यूजियम म्यूजियम है, इसमें जो है साइंटिफिक चीजें दिखाई गई हैं, ठीक है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट दिखाए गए हैं साइंटिफिक, बड़े ही विचित्र टाइप के। तो सिंचाई अनुसंधान, ठीक है, सिंचाई अनुसंधान केंद्र भी कहां पे है, कुरुक्षेत्र में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ये कहां पे है, उमरी, ठीक है, उमरी नाम की जगह है, उमरी गांव है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहां पे, कुरुक्षेत्र में। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र, ठीक है, सबसे पहले आप जानते ही हैं रोहतक में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी, उसके बाद जो है कुरुक्षेत्र में, और तीसरे नंबर पर हिसार में, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र वाली आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई थी, 1991 में की गई थी। लाडवा अनाज मंडी क्यों फेमस है, लाडवा अनाज मंडी, लाडवा नाम की जगह है कुरुक्षेत्र में, और वहीं पे अनाज मंडी है, ये एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, कौन सी, लाडवा अनाज मंडी, ठीक है। और शाहबाद, शाहबाद जो है यहाँ पे विधानसभा के लिए आरक्षित सीट है, ठीक है, विधानसभा की आरक्षित सीट कुरुक्षेत्र से कौन सी है, शाहबाद। महात्मा बुद्ध की सिर की मूर्तियां भी मिली हैं यहीं से, कुरुक्षेत्र से। यहाँ पे कुछ टीले भी फेमस है, जैसे कि हर्ष का टीला, ठीक है, हर्ष, हर्ष का नाम आता ही आप समझ जाओगे, हर्षवर्धन जी कहां से, कुरुक्षेत्र से। कर्ण, कर्ण का टीला, भगवानपुरा का टीला, विश्वामित्र का टीला, और एक और जो मैंने बताया था दौलतपुर का टीला, ये सारे के सारे टीले कहां पे हैं, कुरुक्षेत्र में। कुछ मंदिर जो है फेमस है यहाँ के, लक्ष्मी नारायण मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो है इसकी स्थापना जो है पुष्यभूति ने की थी, और इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था वो करवाया था सदाशिव ने, ठीक है, सदाशिव जो मराठे थे, ठीक है, सदाशिव ने करवाया था पुनर्निर्माण। और मंदिर यहाँ पे देवी कूप मंदिर, भद्रकाली मंदिर और दुख भजनेश्वर मंदिर, ठीक है, ये हैं। उसके बाद बिरला मंदिर, ठीक है, बिरला मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर ये पेवा में है, और बाणगंगा तीर्थ स्थल है यहाँ पे, ठीक है, बाणगंगा आपने पता ही है, तो जो अर्जुन ने जो बाण मार के जहां से गंगा निकाली थी, ठीक है, भीष्म पितामह के लिए। तो ये जो है पर्यटन स्थल है कुछ यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इससे पहले भी हम जो दो तीन वीडियो डाल चुके हैं, तो आप सबका खूब सारा प्यार मिल रहा है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो रेस्पॉन्स जरूर दीजिए, ठीक है, अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कीजिए, और हमें रीजन बताइए कि आपने डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम उसमें आगे कुछ सुधार कर पाएं, ठीक है। हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारा खूब साथ दीजिए। धन्यवाद।